नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज की बेसिक सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की हमारी जो बेसिक सीरीज है वो आपकी रिलेटेड है टास्क बार से। आप टास्क बार के बारे में जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो अपने डेस्कटॉप की मेन स्क्रीन में आइए और देखिए सबसे नीचे ये बॉटम साइड में आपको ये एक टास्क बार मिलता है। इसको टास्क बार कहते हैं, जिस पर आपको कई सारे आइकन्स दिखते हैं, जिस पर आपको स्टार्ट बटन दिखता है, जिस पर आपको नोटिफिकेशन एरिया दिखता है। आप टास्क बार के बारे में हम ये जानेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं, कभी कभी हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि टास्क बार अभी आपको मेरा ये जो है ये आपको अभी दिख रहा है, बट कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो टास्क बार है, अब जैसे ही इस टास्क बार से कर्सर हटाते हैं ये टास्क बार जो है वो हाइड हो जाता है। हम जैसे ही टास्क बार से कर्सर हटाएंगे ये टास्क बार अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने कर्सर हटाया टास्क बार जो है वो मेरा नीचे की तरफ गायब हो गया। अब अगर टास्क बार आपको ऑल टाइम नहीं शो होगा तो आप उस टास्क बार पर रखी हुई फाइल्स को कैसे देखेंगे? तो अगर आपके साथ भी दिक्कत हो रही है कि हम टास्क बार जो है हमारा वो थोड़ी देर के लिए दिखता है उसके बाद गायब हो जाता है, तो यहाँ पर हम टास्क बार को फिक्स करना सीखेंगे कि टास्क बार अगर आपका हाइड हो रहा है तो आप उसको फिक्स कैसे करें। तो आपको टास्क बार पर अपना कर्सर लाना है। देखिए आप जैसे ही टास्क बार के एरिया में कर्सर लाएंगे आपका टास्क बार ऑटोमेटिक जो है वो शो हो जाएगा और जैसे ही कर्सर हटाएंगे ये गायब हो जाएगा। आपको टास्क बार वाले एरिया में अपना कर्सर लाना है। कर्सर का आपको अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है। आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, टूल बार, शो डेस्कटॉप, स्टार्ट टास्क मैनेजर, लॉक द टास्क बार एंड सबसे लास्ट में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, ये जो ऑप्शन है ये आपके टास्क बार की प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर जाना है। आप जैसे ही टास्क बार की प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे आपके सामने टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज़ नाम का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो दिखने लगेगा। अब इसमें आपको टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, टूल बार ये तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पर अगर आपका टास्क बार जो है वो बार बार हाइड हो जा रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ आना है टास्क बार वाले ऑप्शन के अंदर। ये लिखा हुआ है लॉक द टास्क बार, इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है शो ऑटो हाइड द टास्क बार। जी हाँ, यहाँ पे ना ये वाले ऑप्शन पे टिक बना हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन अभी अप्लाइड है। इसी की वजह से हमारा टास्क बार है वो बार बार हाइड हो रहा है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और जब यहाँ ओके करके हम बाहर आएंगे तो आप देखोगे आपका कर्सर अगर टास्क बार वाली पोजीशन में हो या ना हो आपका टास्क बार अभी हाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ से जो हाइड का ऑप्शन है वो उसको बंद कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो आप अगेन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आकर अगर आपको लगे कि हमें अपने टास्क बार को छुपाना है, हाइड करना है, तो आप इसी ऑटो हाइड द टास्क बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। और अगर आपका टास्क बार हाइड है और अगर आपको इस फीचर के बारे में नहीं पता तो आप इस ऑटो हाइड वाले टास्क बार वाले ऑप्शन पर जाकर अपने टास्क बार को जो है वो अनहाइड कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक ऑप्शन है। कई बार हमारे साथ ये दिक्कत होती है और जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये ऑप्शन कैसे ठीक होगा, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन जो है वो खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप भी ये ऑप्शन ट्राई करके देखिए। बिल्कुल बेसिक सीरीज़ के ऑप्शन हैं और आपको ये बेसिक सीरीज़ के ऑप्शन से जो है इस सीरीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बेसिक सीरीज़ ऑप्शंस के बारे में हमने टास्क बार के बारे में जाना कि टास्क बार को कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं। वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ और बेसिक सीरीज़ के बारे में बात करेंगे।